आबू रोड शांतिवन में गुलजार दादी जी की द्वितीय स्मृति दिवस पर रमा कुमारी परिवार ने उन्हें याद करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह से ही सभी ब्रह्मा कुमारी पदाधिकारीगण एकत्र हुए एवं अव्यक्त लोक और शक्ति भवन पहुंचकर दादी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी संस्था की चीफ दादी रतन मोहिनी जी ने अव्यक्त लोक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा संस्था की एडिशनल चीफ मोहिनी दीदी और जयंती दीदी, ज्वाइंट चीफ मुन्नी दीदी, जर्मनी की डायरेक्टर सुदेश दीदी, कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय भाई, सूचना निदेशक बी के करुणा भाई, गॉडलीवुड स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बी के हरिलाल भाई, ओआरसी की निदेशिका बी के आशा दीदी, बी के नीलू दीदी, नेपाल की प्रभारी बी के राज दीदी समेत विभिन्न पदाधिकारियों ने अव्यक्त लोक पर दादी गुलजार को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे दादी गुलजार जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर संस्था के मुख्यालय समेत देश भर के सेवा केंद्रों पर दादी गुलजार जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दिल्ली के करोल बाग स्थित पांडव भवन में भी दिव्यता की मूर्ति दादी गुलजार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर विशेष राजयोगिनी बी के चक्रधारी दीदी, बी के पुष्पा दीदी, रोहित कुमार एंड कंपनी के मालिक बी के रोहित भाई, रेडिसन ब्लू पश्चिम बिहार के चेयरमैन जगमोहन गर्ग, एसपी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन अरुण पाल, बी के शिव कुमार भाई जी, बी के विजय बहन ने विशेष रूप से माला अर्पण कर दादी को पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली और रशिया की डायरेक्टर चक्रधारी दीदी ने कहा कि दादी जी शांति की प्रतिमूर्ति थीं। यूपी हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र में गुलजार दादी की याद में मनाया गया दिव्यता दिवस। आयोजन में पूर्व सह कोषाधिकारी दाऊ दयाल अग्रवाल, LIC के उपशाखा प्रबंधक अवधेश अग्रवाल, कार्यकर्ता आकाश दीप और मुकेश गंगवार, बी के दुर्गेश, बी के वंदना, बी के मोनिका आदि ने दादी को श्रद्धांजलि दी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भरतपुर सेवा केंद्र विश्व शांति भवन में भी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी के द्वितीय पुण्यतिथि पर हुआ कार्यक्रम। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। इस अवसर पर अध्यक्षता राजयोगिनी बी के कविता दीदी ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर विष्णु जैन, श्रद्धा पचौरी, बी के अमर सिंह, बी के प्रवीणा रही खास मौजूद। शिव संदेश भवन अलारपुर में दादी हृदय मोहिनी जी के दिव्यता दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। बीजेबी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बी के तपस्वी ने कहा कि हम सभी आदि रतन दादियों को फॉलो करें और देवीय गुणों से भरपूर बने। इस दौरान बी के सरस्वती, बी के सुशीला ने अपने मधुबन के अनुभव साझा किए। कोलकाता म्यूजियम में दादी रतन मोहिनी की पुण्यतिथि पर दिन भर चला योग तपस्या का कार्यक्रम। सभी बी के सदस्यों ने दादी को अर्पित की पुष्पांजलि। इस दौरान दादी की स्मृति में दिखाया गया खास ट्रिब्यूट वीडियो। बी के कानन दीदी ने कहा कि दादियों के महावाक्यों से हमें शिक्षा लेना चाहिए। जबलपुर नेपियर टाउन के शिव स्मृति भवन में भी दादी का मनाया गया द्वितीय स्मृति दिवस। सेवा केंद्र पर आए सदस्यों ने दादी को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। ब्रह्मा कुमारी भावना दीदी की उपस्थिति में सभी ने दादी की यादों को किया ताजा। इंदौर के न्यू पलासिया ओम शांति भवन में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर की इंचार्ज राजयोगिनी आरती दीदी जी ने दादी जी के साथ के स्नेह भरे पलों को याद किया। उन्होंने कहा कि दादी हृदय मोहिनी जी सादगी, सरलता और सौम्यता की मिसाल थी। इस दौरान समाज सेवी सुरेश गुप्ता ने भी दादी जी के साथ के संस्मरण सुनाए। वहीं समाज सेवी सागर मल जी ने कहा कि दादी जी सरल हृदय और समर्पित बुद्धि थी। राजकोट के रवि रत्न पार्क सेवा केंद्र पर गुलजार दादी की द्वितीय स्मृति दिवस पर हुआ कार्यक्रम। सेवा केंद्र पर आए सभी बी के सदस्यों ने दादी जी को दी श्रद्धांजलि।
ब्रह्मा कुमारी भुवनेश्वर यूनिट 8 सेंटर में राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी की पुण्यतिथि पे हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। स्थानीय सेंटर प्रभारी बी के दुर्गेश नंदनी ने दादी के जीवन की विशेषताएं सभी के साथ साझा की। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर लैटिन अमेरिकी लोगों के लिए 7 दिवसीय रिट्रीट का आयोजन हुआ, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, कोस्टा रिका, कुराकाओ, स्पेन, मैक्सिको, पेरू और यूएसए के 50 बी के मेंबर शामिल हुए। 7 दिनों तक चली इस रिट्रीट में ओआरसी डायरेक्टर बी के आशा दीदी, दक्षिण अमेरिका के कोऑर्डिनेटर बी के कैन, अर्जेंटीना की डायरेक्टर बी के मोइरा, ब्राजील की सीनियर सिस्टर बी के योलांडा, बी के एलेक्स ने सभी पार्टिसिपेंट्स को उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करने के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। The name of your retreat, the theme of your retreat, navigating spirituality through challenging times. It does not say explore. It does not say explore. It says navigate. इस पूरी रिट्रीट के दौरान सभी पार्टिसिपेंट्स के माइंड, बॉडी और सोल की ग्रोथ को विशेष ध्यान में रखते हुए उनका डेली रूटीन प्लान बनाया गया, जिसका सभी ने भरपूर लाभ लिया। रिट्रीट के दौरान होली सेलिब्रेशन भी हुआ, जिसमें भारतीयों के साथ लैटिन अमेरिकन्स ने भी खुलकर पार्टिसिपेट करते हुए अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस बार होली का पावन पर्व और महिला दिवस दोनों ही एक साथ होने से देश भर के सेवा केंद्रों में होली और महिला दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। सभी सेवा केंद्रों में समाज में अपने विशेष भूमिका निभाने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया, तो वहीं होली पर आपसी भाईचारे का मंगल मिलन भी मनाया गया। लेकिन पहले देखते हैं महिला दिवस से जुड़ी खबरें। सबसे पहले देखते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्था, अमन विहार सेवा केंद्र और वुमेन विंग की ओर से खुशहाल महिला खुशहाल परिवार विषय पर हुआ कार्यक्रम। समाज की विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में बुरारी हॉस्पिटल की डॉक्टर रजनी गुप्ता, क्राइम ब्रांच की हेड कांस्टेबल सीमा कल्याण, हेड कांस्टेबल अंजू, सहेली एनजीओ से सुमित्रा गोयल रही मौजूद। इस मौके पर पीस ऑफ माइंड चैनल की बी के गीता को भी सम्मानित किया गया। उनकी ओर से अमन विहार सेंटर इंचार्ज पूनम बहन ने किया सम्मान स्वीकार। प्रैक्टिकल अपने आप से हवा में नहीं आ जाता और थ्योरी भी ऐसे सिर्फ किताबों में नहीं होती, तो इसी तरह से लाइफ में भी ये जो नॉलेज दी है, ये परमात्मा ने नॉलेज दी कि ये थ्योरी जो पॉजिटिविटी को कैसे, मतलब नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना अपने संकल्पों से, अपनी शक्ति से। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह मुंबई में मनाया गया विमेंस डे। नवी मुंबई के वासी में भी हैप्पी वुमेन हैप्पी फैमिली हुआ कार्यक्रम। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी ज्वाइंट चीफ राजयोगिनी संतोष दीदी, सीआरपीएफ सीईओ इंद्रानी यादव, विमेन विंग की डॉक्टर सविता, विश्व सिंधी सेवा संघ नवी मुंबई की प्रेसिडेंट सोनिया काका, नवी मुंबई महानगर पालिका की सचिव चित्रा बाविस्कर समेत कई बी के सदस्य रहे मौजूद। खुशहाल होगी नारी तो खुशहाल होगा परिवार और संसार, ये बात बी के मंजू ने बैतूल के भाग्य विधाता भवन के महिला सम्मेलन में कही। कार्यक्रम में डीआईडी सुपर मॉम साधना मिश्रा, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नामित विद्या निर्गुणकर, टीआई अपाला सिंह हुई सम्मिलित। सम्मेलन में नगर पालिका अध्यक्ष पार्वती बाई बारस्कर, एसडीओपी सृष्टि भार्गव, थाना प्रभारी अपाला सिंह, पूर्व संसद राज्य महिला आयोग गंगा उइके ने भी लिया हिस्सा। सभी नारी शक्तियों को बैज और तिलक लगाकर किया सम्मानित। कार्यक्रम के अंत में रंगों और फूलों से मनाया गया होली मिलन।
वहीं इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी प्रभु उपहार भवन में आध्यात्मिक कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में कवित्री डॉक्टर कादिम्बरी, संगीता गुप्ता, डॉक्टर मनीष गिरी, डॉक्टर रमेश शर्मा, मंजुला सिंगल, डॉक्टर पुष्पा मिश्रा आनंद सहित कई कवियों ने लिया हिस्सा। वहीं ग्वालियर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श दीदी समेत बीके सदस्य रहे उपस्थित। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी में महिला विंग की ओर से मनाया गया महिला दिवस। राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, केंद्रीय संचार ब्यूरो की उपनिदेशक वर्षा शुक्ला पाठक, समाज सेविका माया सिंह, यामिनी सिंह समेत सेवा केंद्र इंचार्ज बीके विमला रही मौजूद। कार्यक्रम में महिलाओं को विविध क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया सम्मानित। इंदौर में प्रेम नगर सेवा केंद्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ आध्यात्मिक कार्यक्रम। कार्यक्रम का विषय था खुशहाल महिला खुशहाल परिवार। इस अवसर पर जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर वंदना अग्निहोत्री, प्रख्यात कवियत्री विनीता चौहान, सीए श्रेया सिंह, पटवारी दीपिका राजपूत, प्रेम नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि दीदी, बीके यशस्विनी, बीके शारदा समेत कई महिलाएं रही उपस्थित। कोरबा सेवा केंद्र की ओर से आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क तुलसी नगर में पूर्व महापौर रेणु अग्रवाल की अध्यक्षता में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दीप प्रज्वलन कर काटा गया महापौर के जन्मदिन पर केक। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रही जिला एवं सत्र अपर न्यायाधीश संघ पुष्पा भतपहरी। उन्होंने कहा महिलाएं महिलाओं की बने सहयोगी। कार्यक्रम में अंजना सिंह, बीके लीना, सुधा झा, आभा अग्रवाल, कामायनी दुबे, मनोरमा शर्मा समेत कई जानी मानी प्रबुद्ध महिलाओं ने भाग लिया। होली एवं महिला दिवस पर हाथरस में हुआ संयुक्त आयोजन। खुशहाल महिला खुशहाल परिवार पर हुई संगोष्ठी। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दे बिखेरे खुशियों के रंग। आनंदपुरी सेवा केंद्र पर हुए इस कार्यक्रम में मोहता रसायन शाला से निवेदिता मोहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शालिनी पाठक, एक्यूप्रेशर एवं पर्यावरण कार्य मंत्री डॉक्टर रेणु जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉली माहौर, करणी सेना की उपाध्यक्ष उषा पाठक और सेवा केंद्र संचालक बीके श्वेता, बीके दुर्गेश, बीके नीतू रही मौजूद। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में भी मनाया गया होली मिलन और इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कार्यक्रम में सुधा डेंटल क्लिनिक की डायरेक्टर डॉक्टर सीमा गुप्ता, मैक्स हॉस्पिटल की डॉक्टर प्रोमिला पंकज, IIMT कठगुडुमा की प्रिंसिपल डॉक्टर विनीता शर्मा, शिक्षा निदेशालय की पूर्व निदेशक उषा कुमार, सेवा केंद्र इंचार्ज बीके इंद्रा और बीके अमृत रही उपस्थित। वहीं धूमधाम से नाच गाकर और रंग लगाकर मनाई गई दिल्ली के पंजाबी बाग सेवा केंद्र में होली। महिला दिवस पर सेवा केंद्र निदेशिका कोकिला दीदी ने बताई नारी शक्ति की विशेषताएं, साथ ही सभी से की राजयोग कोर्स करने की अपील। कार्यक्रम में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साधना गुप्ता, ममता सोनी समेत कई हस्तियां रही उपस्थित। ब्रह्मा कुमारी आगरा म्यूजियम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। विधायक कालीचरण सुमन, कई महिला संगठन और समाज सेवियों ने लिया हिस्सा। रैली में नारी के कई स्वरूपों की झांकी सजाई गई थी। इस मौके पर म्यूजियम प्रभारी बीके मधु, बीके माला, पूर्व प्रधान विजेंद्र भाई, बीके संगीता, बीके महावीर सिंह और बीके डॉक्टर विजय भाई रहे उपस्थित। ब्रह्मा कुमारी BC रोड जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की पूर्व शिक्षा मंत्री प्रिया सेठी रही मुख्य अतिथि। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी जम्मू कश्मीर लद्दाख प्रभारी बीके सुदर्शन ने कहा कि नारी शक्ति इस अराजकता की दुनिया को शांति की दुनिया में बदल सकती है। वहीं डीन GMC जम्मू डॉक्टर शशि सुदन ने कहा कि महिलाओं के भीतर बहुत सारी शक्तियां हैं और इन शक्तियों को ध्यान की मदद से विकसित किया जा सकता है।
महिला दिवस पर गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र पर बीइंग शक्ति कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की लगभग 70 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में पालम सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिल दीदी, डॉक्टर सुजाता, बीके कौशिका, सीए बीके वीरेंद्र गुप्ता, एजुकेशन विंग दिल्ली जोन की कोऑर्डिनेटर बीके सुदेश मुख्य रूप से शामिल रहीं। राजगढ़ के ब्यावरा के शिववरदान भवन में भी महिला दिवस पर महिलाओं को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में नगर पालिका उपाध्यक्ष रुक्मणी शर्मा, पत्रकार नाजनीन अल्ताफ, गोपाल महिला मंडल की संचालिका पुष्पा सोनी, पार्षद अम्बे मिश्रा, राजबाग रिसोर्ट की ऑनर मीनू सिंह राणावत समेत ब्रह्मा कुमारी जिला प्रभारी बीके मधु दीदी, बीके सुरेखा दीदी रही मौजूद। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर खुशहाल महिला खुशहाल परिवार विषय पर हुई परिचर्चा। कार्यक्रम में इंदौर एयरपोर्ट के डिप्टी डायरेक्टर सुधा रंगनाथन, लायंस क्लब की पूर्व सचिव शीला काबरा, क्लॉथ मार्केट महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर छाया मिश्र, चमेली देवी कॉलेज की प्रोफेसर गायत्री शर्मा, मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि जैन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता रही शामिल। मंदसौर में मनाया गया महिला दिवस और होली मिलन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, नगर पालिका उपाध्यक्ष नम्रता चावला, सकल ब्राह्मण समाज अध्यक्ष बिंदु चंद्रे, सुहासरा सेवा केंद्र प्रभारी श्यामा दीदी और मंदसौर सेवा केंद्र प्रभारी उषा दीदी रही विशेष उपस्थित। विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्य करने वाली महिलाओं का किया गया सम्मान। हिमाचल प्रदेश के सोलन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में निगम वार्ड पार्षद रेखा साहानी ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोलन सेवा केंद्र प्रमुख ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी ने की। महिलाओं द्वारा नारी सम्मान में विभिन्न कविताएं, गीतों और लघु नाटिका के माध्यम से दिया गया नारी शक्ति का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी इंदौर छावनी केंद्र में रखा गया परिचर्चा कार्यक्रम। विभिन्न समाज सेवी महिलाओं ने परिचर्चा में लिया हिस्सा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रही ब्रह्मा कुमारी मधु बहन, लिनेस क्लब की जिला प्रमुख रचना गुप्ता रही मुख्य अतिथि। कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट विनी जैन ने सभी को दिए हेल्थ टिप। कार्यक्रम के अंत में सभी ने प्राकृतिक फूलों से इको फ्रेंडली होली मनाकर किया रास। इंदौर के सुदामा नगर सेवा केंद्र पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सूर्यदेव पब्लिक स्कूल की संचालिका मालती खरे, एडवोकेट एमपी हाईकोर्ट बेंच मंजुला मुकाती, डॉक्टर शारदा सिंह, निर्भय सिंह पटेल, संत राजेश्वर महाराज समेत ओम शांति भवन की बीके वीका रही कार्यक्रम में उपस्थित। आगरा के आंवलखेड़ा में मनाया गया अलौकिक होली स्नेह मिलन और महिला दिवस। गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित राम आचार्य शर्मा की पावन जन्म स्थली पर हुआ कार्यक्रम। मुख्य अतिथि रही न्याय कानून राज्य मंत्री जी की पत्नी मधु बघेल। कार्यक्रम में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज आंवलखेड़ा की प्रिंसिपल डॉक्टर यशोधरा शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, दीक्षा चौहान, डॉक्टर रक्षा यादव समेत टुंडला उप सेवा केंद्र की संचालिका बीके विजय रही मौजूद। एमपी के चंदला में भी महिला दिवस पर और होली पर हुआ कार्यक्रम। इस दौरान लवकुश नगर से ब्रह्मा कुमारी सुलेखा बहन, चंदला से ब्रह्मा कुमारी रूपा बहन, सीएमएचओ आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और चंदला क्षेत्र की महिलाएं कार्यक्रम में हुई सम्मिलित। कार्यक्रम में माताओं और बहनों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की दी शुभकामनाएं। महिला दिवस पर शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर पर हुआ महिला जागृति आध्यात्मिक सम्मेलन। समारोह में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा, हम बेटा और बेटी में भेद करना बंद करें। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने कहा कि बेटियों को दे अच्छे संस्कार। रायपुर सेवा केंद्र की संचालिका बीके सविता दीदी ने कहा, आध्यात्मिक शिक्षा से दूर होने से हुआ परिवारों का बिखराव। कार्यक्रम में चिकित्सक डॉक्टर सीमा मेघानी, बीके स्मृति समेत कई महिलाएं रही उपस्थित।
इसी तरह महाराष्ट्र के उल्लासनगर के शिव दर्शन धाम में भी महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है, आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। नारी ना तो अबला है, ना तो कमजोर है, ना तो कोमल है, नारी ही तो शक्ति रूप है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में मनाया गया महिला दिवस। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रही ब्यावर से आई सिविल जज नीतू सिंह, राजयोगिनी सीता दीदी महाराजा अग्रसेन गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मंजेश लता, स्थानीय प्रभारी बी के भावना, समाज सेवी गीता गौड़ रही उपस्थित। कार्यक्रम में झांसी की रानी पर आध्यात्मिक नाटक की गई सुंदर प्रस्तुति। अंत में फूलों से मनाया गया होली उत्सव।